बैक टू माई चैनल. आज हम करने वाले हैं एकदम ईजी सा 5 मिनट मेकअप ट्यूटोरियल एंड इट्स नॉट गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम. नॉर्मली कभी भी अगर जाना होता है आई एम नेवर लेट बिकॉज इनकेस मैं अगर लेट भी हो गई तो फटाफट कपड़े पहने. और ये वाला मेरा गो टू मेकअप है जो लिटरली टेक्स मी लेस देन 5 मिनट्स. सो टूडे आई एम गोना शो यू. इट माइट टेक मोर बिकॉज मैं आपको समझाऊंगी या कैसे करना है या क्या स्टेप बाय स्टेप, तो इसीलिए इसमें शायद ज़्यादा टाइम लगे. बट अगर मुझे करना हो तो इट टेक्स मी लेस देन 5 मिनट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. सबसे पहले ये निविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजर हम यूज़ करेंगे बिकॉज वी नीड अवर स्किन टू बी नाइस एंड प्लम्प एंड मॉइस्चराइज. सो इसीलिए ऐसे लेके अपने चेहरे पर इसको लगा लेना है एंड अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है. ब्लेंड नहीं, मतलब आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए वैसे आपको इसको लगा लेना है. नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर. दिस इज इन द शेड 02 एंड दिस इज अमेजिंग फॉर द प्राइस ऑफ इट. इसका बहुत अच्छा है तो यू शुड ट्राई इट. एंड इसको अंडर द आईज फोरहेड पे ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे दो ऐसे मैं स्वाइप्स करूँगी बिकॉज फिर फाउंडेशन ज़्यादा हो जाएगा ना अगर फाउंडेशन भी लगाएंगे तो. इसलिए फटाफट करना है इसलिए कंसीलर. ये वाला ब्रश मैं ले रही हूँ, एक ब्लेंडिंग ब्रश. उसको आईज के नीचे ऐसे मैं डैब करूँगी. आई एम नॉट स्वाइपिंग इट सो दैट द प्रोडक्ट स्टेज ओवर देयर ओनली. एंड बाकी चेहरे पे आप जो भी चाह कर सकते हो, मतलब जो भी मोशन आप यूज़ करना चाहते कर सकते हो बिकॉज इट्स ऑनेस्टली अप टू यू. अगर आपका मेकअप अच्छा दिखता है तो सही है. मेरे को दिस इज़ फाइन विथ मी सो आई जस्ट ब्लेंड इट लाइक दिस बिकॉज मैं अक्सर जल्दी में ही होती हूँ. सो दिस इज व्हाट आई डू. इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, फोरहेड पे भी ब्लेंड कर लिया. तो मतलब आपका बेस भी हो गया, कंसीलर भी हो गया, सब हो गया एक साथ. मैं आईज पे इतना नहीं जा रही हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक इट कि मेरे आईज पे ज़्यादा फाउंडेशन या कंसीलर हो. जो भी अगर एंड में यहाँ तक हो गया हो और कुछ बचा है ब्रश पे तो आई विल जस्ट लाइटली डैब इट लाइक दिस बस. नेक्स्ट फॉर द ब्रश आई एम यूजिंग दिस सेरी कॉस्मेटिक्स का ब्लश स्टिक एंड दिस इज इन द शेड बबल बज. उसमें से मैं डायरेक्टली ये ब्रश से आई विल टेक द प्रोडक्ट थोड़ा सा लेके एंड देन जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस. दिस ऑनेस्टली लुक्स सो नेचुरल. लाइक आई एम अ फैन ऑफ द बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का जो है ना, इट्स द बेनिटेंट या ये वाला एंड द पिंक टिंट क्या है उसका भी नाम आई डोंट रिमेम्बर इतना. बट आई थॉट कि दोज वर द बेस्ट. लाइक आई एम ऑलरेडी अ फैन, दे आर काइंड ऑफ द बेस्ट बट दिस गिव्स सच अ नेचुरल फिनिश एंड इट मेक्स योर स्किन लुक लाइक वेरी सॉफ्ट लाइक अ बेबी स्किन. सो फर्स्ट आई वॉज स्केप्टिकल क्योंकि ये क्रीम प्रोडक्ट है. सो आई यूजअली डोंट लाइक अ लॉट ऑफ क्रीम प्रोडक्ट सो आई एम लाइक डाउटफुल ऑफ दैट बट दिस इज जस्ट अमेजिंग. थोड़ा सा नोज पे एंड ये हाई पॉइंट्स पे ब्लश सिर्फ यहाँ लगाऊंगी तो मेरा फेस ऑलरेडी चबी है सो इट विल मेक माई फेस लुक मोर चबिया. बट थोड़ा ऐसे स्लैंट में करेंगे तो आपका फेस थोड़ा पतला दिख सकता है. मतलब आप कोशिश कर सकते हैं तो मेरी कोशिश रहती है तो मैं कभी कभी कामयाब होती हूँ, कभी कभी नहीं होती हूँ. अगर नहीं भी होती हो तो इट्स ओके, जो है वो है. मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा हूँ. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस रिमेल लंडन का कॉम्पैक्ट, ओजी कॉम्पैक्ट. आई हैव ऑलरेडी हिट पैन ऑन इट, यू कैन सी हाउ मच आई हैव यूज्ड इट बिकॉज दिस इज गुड. सो उसको एक ब्रश लेके आई एम जस्ट अप्लाइंग इट अंडर द आईज फर्स्ट सो दैट वो कंसीलर हमने लगाया है ना तो उधर क्रीज ना कर जाए एंड देन पूरे चेहरे पे लगा लेंगे. फॉर द होल चेहरा आई विल नॉट यूज दिस ब्रश. आई विल बी यूजिंग ये वाला जो मैं नॉर्मली, डोंट कम एट मी ओके, नॉर्मली वीडियो आर्टिस्ट दे यूज लाइक डिफरेंट ब्रशेज फॉर डिफरेंट पर्पजेज. आई एम नॉट दैट. ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए आपके पास हर एक डिफरेंट ब्लश नहीं सॉरी ब्रश हो. सो इट्स ओके, आई यूज दिस फॉर द पाउडर.
आई यूज दिस फॉर द कॉन्टोर एंड आई ऑल्सो यूज दिस फॉर द ब्लश. तो ये पाउडर हो गया. अभी मूविंग ऑन टू ब्रॉन्जर. दिस इज निक्स का कैलिफोर्निया बीमिंग ब्रॉन्जर एंड इट इज ब्यूटिफुल. इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. कैन यू सी द शिमर ऑन दिस? It's like it makes your skin look so nice. And plus, remember this is very pigmented, so I'm just doing a light dip of it. And then यहाँ पे normally apply करते हैं. ये कान का जो starting point है उधर से ऐसे, but apply it a bit higher so that you know, again if you want to make your face a bit long, तो थोड़ा ऊपर placement कीजिए उसकी. उससे it's a game changing technique, honestly. So I'm just gonna apply a little bit over there and you see ki ek dip mein se kitna aa raha hai, right? And then apply it over here and thoda forehead pe. Forehead pe I honestly don't need it, but just to give my face some color, to uske liye main ye karti hu and thoda sa dip karke bas aise. And ye ho gaya, mera bronzer bhi ho gaya. Now usi brush ki madad se I am using this Forever 52 का स्टूडियो ब्लश. दिस इज इन द शेड RB004. आई डोंट नो व्हाई द नेमिंग इट दैट, बट ओके चलो कोई बात नहीं. दिस इज ऑल्सो वेरी पिगमेंटेड, सो डस्ट ऑफ द एक्सेस एंड देन जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस. आई एम अ ह्यूज ब्लश पर्सन, सो मैं हमेशा ज्यादा ही लगाती हूँ. एंड डोंट वरी, ये थोड़ा ब्लेंड हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल लगेगा. एंड इन रियल लाइफ और नॉर्मल लगेगा, शायद कैमरा पे ना लगे. एंड नेक्स्ट वी हैव, सॉरी आई एम ऑल ओवर द प्लेस राइट नाउ बिकॉज अगेन आई एम गेटिंग लेट राइट नाउ. एंड मुझे लगा कि मुझे फिल्म करना चाहिए ये शायद, तो उसमें और ज़्यादा देर लगती है. बट एनी वेज आई थॉट कि यू नो इट शुड बी रियल, इट शुडेंट बी लाइक मैं जानबूझ के बैठ रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ, कहीं जाने नहीं के लिए, कहीं जाना भी नहीं है, बट फिर भी. सो आई थॉट कि यू नो इट्स नॉट जस्ट फॉर द वीडियो, आई एम एक्चुअली गोइंग आउट लाइक दिस. सो या ब्लश थोड़ा ज़्यादा हो गया नहीं, बट इट्स ओके, आई लुक क्यूट एनी वेज. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस पेंसिल. दिस इज बाय फेरास कॉस्मेटिक्स. दिस इज एन आईब्रो पेंसिल. And if you have been quite the follower of me, wow, okay. मैं ज़्यादा ही बात कर रही हूँ, but anyways, हाँ, if you have been quite the follower, you know कि मेरा eyebrow का technique क्या है. I'm gonna give you a second to guess it. जो people मुझे follow करते हुए, they already know. मेरा OG step यही है कि सिर्फ एंड में लगाओ जो प्रोडक्ट है, सामने नहीं लगाओ, क्योंकि उससे ब्राउज बहुत हार्श हो जाते हैं, इट डज़ नॉट लुक गुड. सो बाकी इसमें जो ब्रश आता है, आप कोई स्पूली भी यूज़ कर सकते हैं. स्पूली एज इन जो स्पाइरल वाला ब्रश आता है ना, वो वाला, जैसे मस्कारा की वॉन्ड होती है वैसे. डोंट यूज़ एन एक्चुअल मस्कारा वॉन्ड, क्योंकि वी डोंट वॉन्ट दैट, बट ऐसा ब्रश आता है वो आप यूज़ कर सकते हो. सो इस ब्रश की हेल्प से जो एंड में प्रोडक्ट है उसको थोड़ा ब्लेंड कर लिया हमने, ठीक है. फिर जो प्रोडक्ट है वो ये ब्रश में आ गया, तो वो प्रोडक्ट का क्या करें, वो हम शुरू में लगाएंगे, लाइक स्टार्टिंग में, सो दैट यू नो इट्स नॉट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, बट थोड़ा सा उसका टिंट आ जाएगा. देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे है, बट इट्स नॉट ऑल्सो अगेन डार्क एज दिस वन राइट. जो कोने पे इतना डार्क है, यहाँ पे इतना डार्क नहीं है. दैट्स वॉट वी वॉन्ट टू अचीव. We want like a fading effect, so ऐसे करके I will do the same for this one, and we are done with the brows also. अगर आपको mascara लगाना है तो आप वो कर सकते हैं. I am not usually a mascara person because उसको निकालने में मेरी जान निकल जाती है, so that is a no for me. Here I am, next I am using Natasha Denona का eyeliner. मेरा आईलाइनर और सेटिंग स्प्रे हो गया है. अभी लिपस्टिक की बारी है. दिस इज द मेबलिन सुपर स्टे मैट इंक. दिस इज इन द शेड 225 डेलिकेट एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई अ लिटिल बिट बिकॉज अगेन दिस इज टिंटेड लाइक पिगमेंटेड एंड आई लाइक दीज डेज आई एम नॉट लाइकिंग लाइक एकदम हार्श वाले लिपस्टिक, सो आई वॉन्टेड टू लुक लाइक अ स्टेन.
एंड वी आर डन. दिस इज द फाइनल लुक. दिस एक्चुअली टुक मी ओनली अबाउट 7 minutes बिकॉज आई वॉज फिल्मिंग एंड एट द सेम टाइम आई वॉज टॉकिंग सो मच. आई एम सॉरी फॉर दैट, बट या दैट्स जस्ट मी. आई कैन नॉट हेल्प इट, मेरे को बड़बड़ बड़बड़ करना होता है. सो या दिस टुक मी 7 minutes ऑन कैमरा. अगर इफ इट्स नॉट ऑन कैमरा देन इट टेक्स मी लेस देन दैट. सो या दिस इज द क्विक मेकअप लुक. आई होप यू लाइक इट. इफ यू डिड देन गिव दिस वीडियो ऑल्सो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.